क्या आपने कभी रियलाइज किया है नेचर के पास बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बहुत सारे स्किन डिजीज हो या फिर हमारे हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम आ सकते हैं, एकदम प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट एंड डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचर। आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, वो कोई और नहीं एलोवेरा जेल है। उसके थोड़े बहुत यूजेस जो मैं खुद अपने डेली रूटीन में करती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे चलते हैं वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक एलोवेरा प्लांट सबके घर में है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, आप इसको इजीली कहीं पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं, इसको उतना केयर देना नहीं पड़ता है, इसको इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर बहुत लोगों की जिसकी जॉब लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, उन लोगों के लिए हमेशा प्लांट से जेल निकाल कर उसको यूज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं जो रेडीमेड एलोवेरा जेल्स मार्केट में मिलता है उसको यूज करने के लिए। तो क्या आपको पता है आप जो एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं वो प्योर है कि नहीं? थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको पता नहीं है वो मार्केट में वो जो ग्रीन कलर वाला फ्रेग्रेंस वाला एलोवेरा जेल मिल रहा है वो भी थोड़ा उसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा कम है, तो आप लोग उसको यूज कर रहे हैं एंड मैं भी उसको यूज कर चुकी हूँ। जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे मुझे उतना मालूम नहीं था एलोवेरा जेल कौन सा प्योर है कौन सा खराब है, तो मैं भी उस टाइम पे उसको यूज करती थी। बट ट्रस्ट मी, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं एंड ऐसे बहुत सारे हार्श प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपके स्किन को आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं एंड कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि हम लोगों को प्योर एलोवेरा जेल प्रोवाइड करते हैं। सो माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज बाओ स्किन केयर साइंस एलोवेरा जेल। इसको आप अपने फेस के साथ साथ अपने हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं इसको यूज कर रही थी एंड ये बहुत, इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसमें 99% एलोवेरा जेल है। नेक्स्ट वन इज ग्रीनवर्थ एलोवेरा जेल, ये भी एक प्योर एलोवेरा जेल है, इसमें 99% एलोवेरा जेल है एंड 1% प्लांट बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स है एंड विटामिन ई एंड विटामिन सी है। थर्ड वन जो है वो मैं करेंटली यूज कर रही हूँ, वो है एलो 99 चोक चोक सूथिंग एलोवेरा जेल। ये एक कोरियन प्रोडक्ट है, इसमें 99% एलो एक्सट्रैक्ट के साथ साथ कैस्टर ऑयल है, रोज वुड ऑयल है एंड ग्लिसरीन है एंड विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन सी है। ये एक नॉन ग्रीजी प्रोडक्ट है एंड स्पेशली मेड फॉर सेंसिटिव स्किन। मैं इस एलोवेरा जेल को 1 month से यूज कर रही हूँ। ये एक बजट फ्रेंडली एलोवेरा जेल है, प्राइसिंग जो है 360 rupees है एंड इसकी क्वांटिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। यूजेस बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप कोई भी DIY यूज करो या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करो, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करो फिर आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू इट्स यूजेस। अगर आप प्राइमर पे पैसा वेस्ट करना नहीं चाहते हैं या फिर प्राइमर यूज करने से आप पोर्स हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं, तो फिर आप एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक स्टिकी प्रोडक्ट है, तो आप इसको एज ए बेस यूज करें एंड समर सीजन में एलोवेरा जेल बहुत अच्छा काम करता है एज ए प्राइमर। आप एलोवेरा जेल को एज ए सीरम या फिर एज ए कंडीशनर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटनिंग के टाइम पे एज ए हीट प्रोटेक्शन सीरम के हिसाब से यूज करते हैं। ये आपके बालों को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है एंड एज ए कंडीशनर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके जो बालों में स्प्लिट एंड्स हैं वो इसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आपके स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता है या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से आपके स्किन में स्वेटिंग होता है या फिर पिंपल्स आ जाते हैं, एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसको एज ए मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। सेविंग के बाद बहुत सारे लोगों को रैसेस आ जाते हैं एंड बहुत सारे बम्प्स भी आ जाते हैं एंड इनग्रोन हेयर्स भी हो जाते हैं, तो एलोवेरा जेल अप्लाई करने से वो आपके स्किन को इरिटेट होने से प्रोटेक्ट करता है।
कूलिंग इफेक्ट देकर आपके रैसेस को हील करता है। अगर आपकी स्किन में सनबर्न हो जाए या फिर सन टैनिंग हो जाए तो आप एलोवेरा जेल को उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, उसको होल बॉडी पे या फिर अपने फेस पे रात पे अप्लाई करके सो जाएं एंड सुबह उठ के उसको वॉश कर लीजिए। आपकी जो टैनिंग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंड अगर आपको सनबर्न हो जाए तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक कूलिंग इफेक्ट देता है। मैं एलोवेरा जेल को एज ए नाइट क्रीम की तरह यूज करती हूँ। रात में मैं फेस वॉश करने के बाद एक थिक लेयर अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाती हूँ। नाइट क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं आप। रात में एक थिक लेयर अपने फेस पे अप्लाई करके सुबह उठ के उसको वॉश कर लीजिए। ये सारे यूजेस जो मैं खुद यूज करती हूँ। एंड और भी इसके बहुत सारे यूजेस है हेयर प्रॉब्लम्स लाइक आपके हेयर फॉल हो या फिर डैंड्रफ हो, वो सबको ठीक करने में भी एलोवेरा जेल को यूज किया जाता है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करें अपने हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। क्योंकि आप सोरियासिस हील करने के लिए भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, या फिर आपको माइनर बर्न इंजरी हो गया तो वहाँ पर भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। और अगेन अगर आप जो प्रोडक्ट आप फेस पे यूज कर रहे हैं अगर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं तो उसको उसका जो बेनिफिट है वो डबल हो जाता है। अगर आप एलोवेरा कंज्यूम कर सकते हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंस्टिपेशन, ब्लड शुगर लेवल को लोअर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एलोवेरा कंज्यूम करने से पहले आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।